The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So welcome everyone, welcome back, and today we are going to talk about a virus. What is a virus? Why does your body, you know, has an infection? Why do you get a fever? Viral fever hota kya hai? So ye virus hai kya? And आपकी body उससे कैसे कैसे उससे tackle करती है और कैसे आप उससे ठीक हो सकते हो. There are so many things, right? उसके types क्या है, उसके symptoms क्या है, उसके treatment क्या है. So we will talk about all these things and today. So welcome and let's start the session and let me just start it. So the introduction is done and let's start. So क्या होता है virus? See, virus एक basically आपके genetics, genes, उसमें virus is nothing but a small strand of either DNA or RNA. या तो DNA या RNA virus होता है. कई बार it's just a small genetic map, छोटा सा. It does, it's not a basic living thing, it's a non-living thing. Actually, it's non-living. Viruses are not living things, but they are non-living, but still a virus, right? It does not actually it basically reproduce, it mutates. It mutates, it just exists. Now, this virus basically has either a DNA or a RNA. इसमें RNA होगा या DNA होगा. DNA, RNA आपके genes के अंदर basically strands होते हैं जो replicate होते हैं, और replicate होके एक cell से दूसरा cell बनता है depending upon उसके DNA में, DNA में कैसा structure है ना. इसी basis पे decide होता है कि आपका बाल, आपके बाल white होंगे, आपकी आँख लाल होगी, काली होगी, क्या होगी, लाल तो नहीं होती, blue होगी या क्या होगी. So that's what it is. Virus is a basic DNA. और छोटे से छोटा वायरस, एक फ्लू वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस, वो भी पॉसिबल होता है. फ्लू के 200 से ज्यादा प्रकार के वायरस है, कॉमन कोल्ड के 200 से ज्यादा प्रकार के वायरस है. इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये सब वायरसेस हैं. वॉट्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, जिससे कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर, HIV वायरस, HIV एड्स, राइट. हमने कई बार ऐसा सुना है H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस और डेंगी वायरस. तो ये सब वायरसेस हैं जो एक्चुअली सिंपल सी कोल्ड, सर्दी की बीमारी भी करते हैं, जो लिटरली सबको होता है. और ऐसा भी वायरस है जो इतना खतरनाक है कि भाई आ गया तो जान लेके जाएगा, राइट. ऐसे भी खतरनाक वायरसेस हैं दुनिया में. सो हेलो एवरीवन, हाय अली, प्लीज लेट मी नो इफ द वॉइस इज फाइन, राइट. एंड इन वायरसेस का प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये वायरस आपके शरीर में इतनी प्रॉब्लम कर देते हैं. देखिए, वायरस इज बेसिकली अ हाईजैकर. ये एक हाईजैकर है. ये क्या करता है, आपके शरीर में प्रवेश करके आपके जिस भी सेल में जाता है उस सेल के सिस्टम को हाईजैक कर लेता है. किस सिस्टम को, वहां का जो रेप्लिकेशन सिस्टम है सेल के अंदर, जो डीएनए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड, जहां पर डीएनए आरएनए रेप्लिकेट होता है, उस रेप्लिकेशन सिस्टम को वो हाईजैक कर लेता है. हाईजैक का मतलब है कि वहां पर वो खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर देता है. क्योंकि अगर आरएनए होगा तो आरएनए की कॉपी, डीएनए तो डीएनए की कॉपी, राइट. सो इस कॉपीज से क्या होता है, सबसे पहले वो सेल भर जाता है. वो सेल भर जाता है और फिर जब वो सेल भर जाता है, पहले पहले तो वो वायरस के कुछ कुछ पार्टिकल्स, क्योंकि वायरस में है क्या, एक आरएनए डीएनए है और उसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन है, बस इतना वायरस है. उसके अलावा कुछ बैक्टीरियोफेज, ये वो दूसरी चीजें बाकी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वायरस बेसिकली यही है. तो ये सारा अपनी कॉपीज बनाता है आप ही के अंदर, आप ही के सेल्स में घुस के, आप ही की रेप्लिकेशन सिस्टम को हाईजैक करके, एक से दो, दो से हजार, हजार से लाखों एक सेल के अंदर, और ये एक एक टुकड़ा फिर सेल के ऊपर सेल का ही मेम्ब्रेन उठा के थोड़ा सा बाहर निकलने शुरू कर देते हैं. एंड अल्टीमेटली सेल इतना भर जाता है कि सेल फूट जाता है, ब्रेक हो जाता है. सेल फूट जाए तो एक सेल की बात हो रही है, कहीं भी गए, स्किन में जाए, स्किन का वायरस हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वायरस हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वायरस हो, कोई भी HIV वायरस हो, कोई भी वायरस ऐसी करता है. कोई जल्दी एक्ट करता है, कोई फास्ट होता है, कोई स्लो एक्ट करता है, जो रेप्लिकेशन स्पीड की बात हुई है. और कई वायरस डॉर्मेंट भी बैठ सकते हैं आपके शरीर के अंदर, जैसे कि कुछ सालों तक डॉर्मेंट बैठ गए और उसके बाद फिर एक्टिव हो गए. जो हमने हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में सुना, हर्पीस जो होती है सालों तक बैठ जाती है आपके अंदर डॉर्मेंट और फिर वापस आ जाती है कभी कभार. सो ये भी एक वायरस है, हर्पीस भी एक वायरस होती है. एंड जो एक मतलब एवरी वायरस इज सम वर्क्स लाइक दिस, राइट. इट बेसिकली हाईजैक्स योर सिस्टम, रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, वो सेल फूट जाता है और फिर वो खून उस पर्टिकुलर एरिया में, जहां भी, अगर खून में तो खून में फैल जाएगा वायरस, अगर लंग्स में तो लंग में फैल जाएगा वायरस, अगर वो कहीं पे स्किन में तो स्किन के आसपास वहां पे फैल जाएगा वायरस, फिर वहां पे जैसे ही फैलेगा दूसरे सेल्स को पकड़ लेगा, वहां पे फिर से सेकंड हजारों सेल्स के अंदर वही सेल, वही प्रोसेस शुरू, फिर लाखों सेल्स के अंदर वही प्रोसेस शुरू, फिर लाखों सेल्स फूट रहे, सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे, सब सेल्स खराब हो रहे. तो इस वजह से उस ऑर्गन में
जहां पे भी वायरल ने अटैक किया वहां पर ऑर्गन डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। अगर लंग में है तो लंग सिस्टम इतना सारा डैमेज हो रहा है, वहां डिसफंक्शन, सांस में दिक्कत, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है जैसी है, और आपका बॉडी क्या करता है, बॉडी कहता है ये क्या हुआ, बम फूटा, कोई सेल खड़ा खड़े फूट गया। मान लो इंडिया के अंदर एक जगह एक घर फूट गया तो सोचेंगे तो सही क्या हुआ, गैस फूटा, सिलेंडर फूटा कि बम फूटा, किसी ने आतंकवादी हमला, सेम थिंग योर बॉडी डज, जाओ जाओ देखो देखो देखो, सो योर बॉडी सेंड्स ऑल योर इम्यून सिस्टम देयर, गो एंड वॉच, राइट, देखो क्या हुआ है, वहां कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वो है, कौन सा आतंकवादी है, गो एंड किल इट। सो योर बॉडी सेल्स योर लिम्फोसाइट्स, योर ल्यूकोसाइट्स, योर बीटा ल्यूकोसाइट्स, योर मैक्रोफेजेस, एवरीबॉडी गोज देयर इन सर्च ऑफ समथिंग जो मार सके, राइट, कुछ मिलता नहीं है, वायरस इज जस्ट अ बैक्टीरिया, जस्ट अ वायरल, वायरस कहां से मिलेगा, वायरस मिलता नहीं है। सो व्हाट दे डू इज दे डोंट फाइंड एनीथिंग, देन दे फाइंड पार्टिकल्स, क्या करते हैं वो उस सेल को मार देते हैं जो सेल में वायरस होता है, जो सेल उल्टा सीधा रिएक्ट करता है, दैट सेल गेट्स किल्ड बिकॉज ऑफ सम वायरस, क्योंकि हमारा सेल भी ऐसा नहीं कि जीरो जीरो बटन हिल कि कुछ भी नहीं करेगा, वी ऑल्सो डू समथिंग, आर सेल व्हाट दे डू इज समटाइम्स आर सेल इज केपेबल ऑफ किलिंग द वायरस, राइट, आया वायरस एंड वी किल द वायरस एंड व्हाट वी डू वी चॉप इट इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं उसके, और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को उठा के बाहर दिखाते हैं एज अ फ्लैग सेल के बाहर कि ये आया था मेरे पास, मैंने इसको मार दिया, आप भी देख लो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई आए तो पहले तैयार रह लो, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज अगेन अ सिस्टम ऑफ आवर बॉडी जिससे कि हम एक वायरस का पार्टिकल लेके अपने ही बॉडी को एक इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, दिस काइंड ऑफ ये जो पार्टिकल्स का आपके बी लिम्फोसाइट्स लेके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है, और यही एंटीबॉडीज जो होती है नेक्स्ट टाइम अगर सेम वायरस आपको अटैक करेगा तो आपकी बॉडी कहीं भी हो वो एंटीबॉडी खून में होती है, वो जाके खून से उस वायरस को तुरंत मार देगी। दैट्स व्हाट द वैक्सीन डज। वैक्सीन अगर किसी वायरस के लिए है तो वैक्सीन भी यही करती है कि आपको एक वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं उसकी जगह जो एंटीजन होता है, जिसकी एंटीबॉडी बननी है, सिर्फ वो एंटीजन मरे हुए वायरस के चॉप्ड पीसेस में से एक दो पीस, थोड़े बहुत पीसेस दे देते हैं कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले, एंड इफ दैट वायरस कम्स इनटू योर बॉडी योर बॉडी विल ऑल्सो हैव उस टाइप के गन्स। जैसे मान लो अगर वैम्पायर हो गए दुनिया में तो वैम्पायर के लिए अल्ट्रा वायलेट वाली वो चाहिए, यूवी रेज वाली बुलेट्स चाहिए, देखा होगा वंडर वर्ल्ड, वैसे ही होता है कि अगर हमें पता हो पहले से कि वैम्पायर आने वाले, हम यूवी रेज वाली बुलेट्स और वैसी गन्स वैसी तोपे बना लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता होता। सेम थिंग, आपकी बॉडी को नहीं पता कौन सा वायरस आने वाला है, कैसे का है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है। सो योर बॉडी ऑल्सो हैज अ सिस्टम ऑफ फीडबैक जिससे एंटीबॉडी बन सके, और वैक्सीन इज अनदर सिस्टम जिससे हम आपके शरीर में एक्सटर्नली बता सके भी ऐसी चीज हुई है, ऐसी एक बंदे को हुआ तो आपको भी हो सकती है, 10 को हुआ 1000 को हुआ, एक जगह पैंडेमिक एक जगह ये, तो आपको भी हो सकती है। सो वैक्सीन आर गुड, द ओनली वे टू प्रिवेंट अ वायरस इज वैक्सीन, एंड सेकेंड वायरस फैला कैसे उस तरीके से बचो, हाइजीन मेंटेन करो। कुछ वायरसेस ओरल रूट से है, छींकेंगे खांसेंगे, सॉरी कॉमन फ्लू है वो फैलेगा ऐसे, ओरल रूट मतलब फीकस फीसस में निकलते हैं, और वो सही से हाथ पर धोके किसी ने नहीं सही से खाना बनाया, उल्टा सीधे जगह ठेलों पे खा लिया आपने, तो वो वायरस आपके अंदर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाला वायरस, राइट। और फीकोरल रूट कई वायरस आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, एचआईवी वाले या इवन दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, सीएमवी और दूसरे आते हैं बहुत सारे एसटीडीज में, दो आर वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मीन्स वो जो आपके ब्लड में होते हैं, म्यूकस में होते हैं, आपके फ्लूइड्स में, बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिट होते हैं, सो वो भी हो सकते हैं। सो हमें बचने के लिए एक तो हाइजीन मेंटेन करनी है, उल्टे सीधे इस तरह के एक्सपोजर से बचने, बीमार लोगों से दूर रहना है, बीमार हो कोई घर में तो उसको घर में रखिए ताकि बाहर निकल के दूसरों को वायरस इन्फेक्शन ना दे दे, कॉमन फ्लू भी ना दे, स्वाइन फ्लू हो जाए तो वो भी ना दे। ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन इवन डेंजरस वायरस हो तो भी आपके शरीर में कई लोगों में ऐसी ताकत होती है जो उसको ठीक कर दे, हेपेटाइटिस बी वायरस हो, हेपेटाइटिस सी वायरस हो, जिसको हो गया हर एक बंदा नहीं मरता, हर एक बंदे को नहीं हो जाती लिवर फेलियर, कोई कई लोगों के एक्चुअल इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है या कई लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो उसको मार देते हैं, जैसा आपका खुद का स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, क्योंकि बॉडी वहां पे पुलिस वाले भेजती है। बट जब नहीं कर पाते, कुछ वायरस ऐसे खतरनाक होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को ही उल्लू बनाते हैं कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यही यहाँ कुछ नहीं है। कई वायरस में अलग अलग फीचर्स हैं, दोस फीचर्स आर वेरी डिटेल्ड थिंग्स, नॉट गोइंग इनटू दैट, बट देन थिंक अबाउट इट, इफ योर इम्यून सिस्टम डजंट नो दैट इज अ थिंग, अलार्म ही नहीं बज रहा तो आग कहां लगी है? पता ही नहीं चला। सो सम वायरसेस आर लाइक दिस, दैट्स व्हाई वो वायरस हैवी डैमेज कर देते हैं जब तक पता चलता है कि कुछ हुआ है, एंड यू आर गॉन आउट ऑफ रिकवरी फेज। सो वायरसेस आर डेंजरस थिंग्स बट दे आर नॉट एक्चुअली लिविंग थिंग्स, तो इसलिए उनके लिए एंटीबायोटिक नहीं आता है, एंटीवायरल मेडिकेशन आती है, वो भी हर वायरस के लिए नहीं है, कुछ वायरसेस के लिए। एंटीवायरल मेडिकेशन जो होती है वो ज्यादातर इन वायरसेस के रेप्लिकेशन प्रोसेस को बीच में रोक देती है कि भाई अब वायरस जितने हो गए, जब पता चला, जब देना शुरू करो, अब वो वायरस और नहीं बढ़ेंगे, एंड देन योर बॉडी किल्स द वायरस, एंड देन योर इम्यूनिटी किल्स द वायरस, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी वायरस को मारना ही मारना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वायरस आएगा, इवन एचआईवी एड्स आएगा, हेपेटाइटिस बी आएगा, दुनिया का स्वाइन फ्लू वायरस आएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी उसको नहीं मारेगी।
द प्रॉब्लम इज वायरस एक तरफ फैल किसी स्पीड से रहा है, आपकी बॉडी मार किसी स्पीड से रही है. अगर फैलने की स्पीड बहुत तेज है, मारने की स्पीड वायरस को कम है, सो वायरस जल्दी फैल जाएगा. That's what determines कि आप बचोगे कि नहीं, या आपको कितनी बीमारी होगी, कितनी बीमारी. That's what determines. So ultimately, what can you do? You can prevent the virus from entering your body, you know, by proper hygiene, by properly doing whatever sexual exposure you have, and properly, you know, छींकना ना खांसना हिसाब से ऐसे करके इधर मत लगाओ, कोनी में खांसो, right? ऐसे that way, because that's least thing which people or somebody will touch, right? Then एंटीवायरल्स जितनी जल्दी पता चले कि वायरल है, देन यू नीड टू स्टार्ट एंटीवायरल मेडिकेशन एज सून एज पॉसिबल. स्वाइन फ्लू के लिए प्रिवेंटिव भी मेडिकेशन दे देते हैं कि भाई दे दो थोड़ी सी, मे बी, राइट, नो प्रॉब्लम है कि नहीं. एचआईवी में, एचआईवी के लिए कोई एक्सपोजर भी हो जाए तो भी प्रोटोकॉल बना रखा है एंटीवायरल देने का, क्योंकि ये सब बीमारियां ऐसी हैं, कई बीमारी. एचआईवी का प्रॉब्लम ये है कि इट टेक्स 10 years अबव. एक बार एचआईवी शरीर में घुसा, 10 साल पता चलेगा आपको कोई बीमारी हुई है या एड्स हुआ है, समथिंग लाइक दैट. 10 साल, वो भी हर एक को नहीं होगा, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को एड्स होगा, कई लोगों को कुछ नहीं होगा एच आई वी से. सो इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट. हेपेटाइटिस बी सब जिसको होगा, सब में से बहुत कम लोगों को, 20-25% लोगों को लिवर फेलियर होगा, सबको नहीं होगा. सो बाकी सबकी इम्यूनिटी उसको मार देगी. तो आपको क्या करना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी सोना है. यू नीड एंटी वायरल थिंग्स इन योर डाइट. वॉट इज द बेस्ट एंटी वायरल थिंग? विटामिन सी, विटामिन B12, ओमेगा 3, एंटी ऑक्सीडेंट्स. योर ग्लूटाथियॉन इज गुड. आपको लेना पड़ेगा N-acetylcysteine, आपको लेना पड़ेगा कुरकुमिन यानी हल्दी. हल्दी दबा के खाओ, जीरा खाओ, लसन खाओ, अदरक खाओ. मेक दीज थिंग्स इन टू योर डाइट. मतलब इट्स नॉट थिंग एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. आई मीन ऑल दीज थिंग्स जो हमारी डाइट में ऑलरेडी है वो अच्छी है, जी हाँ. अगर बाहर बाहर से दूसरी वायरस आ रही है वो अलग बात है, बट देन हमारी डाइट अच्छी खासी है. हमें वेस्टर्न डाइट को कम खाके अपनी खुद का खाना ज्यादा खाना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू प्रिवेंट वायरसेस, वायरल इन्फेक्शंस. एंड एट द एंड ऑफ द डे वायरसेस के साइंस एंड सिम्टम वही होते हैं. अगर मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया तो बैक्टीरिया गया या वायरस गया, आपको खांसी, बलगम, छींक, आहू आहू, फाहू फाहू, सांस में दिक्कत होगी. अगर वायरस पेट में गया तो दस्त, सर्दी, खांसी, ये सब हो सकता. दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द, स्किन पे लगेगा, वॉट्स हो सकता है, पैर में वॉट्स होते हैं कईयों को, वजाइनल वॉट्स होते हैं किसी को, वजाइनल डिस्चार्ज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वहां से डिस्चार्ज, फीवरिश फील होना, ऐसी चीजें होती है. लेकिन वायरस, वायरल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, कई बार टेस्ट से थोड़ा सा आइडिया मिलता है. बैक्टीरियल काउंट्स कल्चर्स में कुछ नहीं आएगा. अगर कल्चर में बैक्टीरिया आ रहा है तो इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और सीबीसी में इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक, लेकिन वायरस के केस में बहुत ज्यादा हाई लिम्फोसाइट काउंट्स नहीं जाता, राइट? सो दैट इज वन थिंग विच समटाइम्स वी हैव टू टेक गेसिंग. कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है. ऐसा नहीं है कि आपको एक वायरस ने अटैक किया तो उसके अपनी बॉडी को कब्जा कर लिया कि नहीं बेटा अब यहाँ बैक्टीरिया नहीं आएगा, यहाँ वायरस का कब्जा है, नो बडी शुड कम हियर. नो, इफ अ वायरस इज देयर इन योर बॉडी विच इज एक्चुअली कॉजिंग डैमेज, एट द सेम टाइम अ बैक्टीरिया कैन गो. अपॉर्चुनिटी मिल गई, पर्सन बीमार है, आदमी कमजोर है, क्या बोलते हैं उसको, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा. सेम थिंग हैपेंस. सो योर बॉडी कैन गेट टू इन्फेक्शंस टुगेदर, अ वायरस एंड बैक्टीरिया. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स एंड ट्रीट यू इन दैट वे, राइट? सो दैट्स व्हाई अगर वायरल इन्फेक्शन है, यू शुड बी मोर प्रिपेयर्ड, मोर प्रिपेयर्ड, एंड यू शुड गो टू अ फिजिशियन विच विल बेसिकली जो टेस्ट करके आपको ट्रीट करेंगे वायरल इन्फेक्शन के लिए. सो दिस इज ऑल इन शॉर्ट अबाउट वायरस एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. द बेस्ट मेडिसिन फॉर वायरल इन्फेक्शन इज वॉटर. वॉटर भैया, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, क्योंकि योर बॉडी इंक्रीजेज योर टेम्परेचर टू किल द वायरस, टू किल दैट सेल्स, टू रिड्यूस योर दिस थिंग, एंड इट डज, इट डज. बट देन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, एंड डिहाइड्रेशन विल अगेन स्लो यू डाउन. आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेशन वो सब कम हो जाएगा, लेकिन वायरस भाई अपना काम कर रहा है. सो यू नीड अ लॉट ऑफ वॉटर, अ लॉट ऑफ वॉटर. दैट्स व्हाई आईवी फ्लूइड इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ एनी वायरल इन्फेक्शन. देन सेकंड थिंग इज अ लॉट ऑफ विटामिंस, विटामिन बी, विटामिन सी. सी इज गुड, राइट? एनी काइंड ऑफ सिट्रिक फ्रूट, सिट्रस फ्रूट इज गुड. देन बहुत सारे आपको ओमेगा 3s चाहिए, मस्त दबा के आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए. रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी वायरल इन्फेक्शन, रेस्ट, बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्किंग आउट, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थिंग्स. अभी कॉन्सेंट्रेशन है वायरस को ट्रीट करना, वायरस को उखाड़ फेंकना, उसको ट्रीट करना, उसको मारना है. सो राइट नाउ यूर नीड रेस्ट. सो रेस्ट, वॉटर, वाइटामिन, एंड देन एंटीवायरल मेडिकेशन एंड टेस्ट, एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. अगर आपको लगता है आपको किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड देर आर सम वायरसेस जिनके एक्चुअल टाइटर्स गिन सकते हैं, कि आपके शरीर में खून में है तो कितने हैं, हाउ मेनी आर देर, हाउ मेनी टाइटर्स आर देर, वो टाइटर गिनते हुए देख सकते हैं प्रोग्रेस, बढ़ रहा है, कम हो रहा है. एंटीवायरल मेडिकेशन कोई दे रहे हैं तो वो काम कर रही है, नहीं कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर ऑल डन बाय डॉक्टर्स. So, all you need is knowledge. So, that's all about viruses. Thank you so much for watching. Do let me know if you have any questions. I'll answer them right away. So, I'm looking for questions now.